और राजधानी दिल्ली में चल रहे 11वें वैश्विक कृषि नेतृत्व सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश विदेश से आए कृषि जगत के दिग्गज उद्यमियों, विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वैश्विक कृषि सम्मेलन को देश में कृषि विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। पेश है ओपी यादव की खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में आयोजित 11वें विश्व कृषि नेतृत्व सम्मेलन में कृषि और खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बधाई देते हुए भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद को वैश्विक कृषि नेतृत्व सम्मेलन के शानदार आयोजन के लिए बधाई दी। जितने भी अवार्डीज हैं, मैं उनको अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। इस फंक्शन के माध्यम से जिनको अवार्ड मिलता है, जिस गवर्नमेंट को अवार्ड मिलता है, उनको अच्छी खासी सोहरत अपने अपने स्टेट्स में भी हासिल होती है। समारोह में कृषि और किसानों के कल्याण के लिए बेहतरीन कार्य करने पर गुजरात स्टेट को सम्मानित किया गया। इसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का ये सभी को आह्वान है कि हम अपने किसानों को उनकी बाहों में ताकत भरे और अपना किसान को हौसला बढ़ाए। समारोह में पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, फार्मिंग, एग्री बिजनेस, CSR, कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर, ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लीडरशिप, अफ्रीका डेवलपमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट, बेस्ट एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट एनिमल हस्बेंड्री स्टेट, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट जैसे कई श्रेणी के लिए ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिए गए। भारत की आत्मा गाँव में बसती है और इसी आत्मा को आत्मसात करने का काम करता है देश का अन्नदाता यानी किसान। इन्हीं किसानों के लिए काम करने वाले देश के शिक्षार्थी, शोधार्थी, वैज्ञानिक और उद्यमशील व्यक्तियों को सम्मानित करने का काम किया है भारतीय कृषि और खाद्य परिषद ने। उम्मीद की जाती है कि किसानों के लिए काम करने वाले इन व्यक्तियों के सम्मान से न केवल देश में और अन्य व्यक्ति इस काम में आगे आएंगे बल्कि अर्थव्यवस्था में सुधार होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में विकास के नए आयाम भी स्थापित होंगे। मेरे सहयोगी राजेश रिक्की के साथ मैं ओपी यादव, DD News, दिल्ली।